कल के सफर में मजेदार और थोड़ा भयानक अनुभव लेने के बाद आज हम ट्राई करने वाले हैं इंदौर के ही फेमस सराफा बाजार के कुछ अनोखे से स्ट्रीट फूड, और आपको रूबरू कराएंगे कुछ फेमस करोड़पति कुल्फी वालों से। नमस्कार अंकल, आशा हो गया बहुत खतरनाक, और ये हमारे एक्सीडेंट होते होते बच गए यहाँ पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर सोनिक वंस अगेन। और दोस्तों, मॉर्निंग बहुत बढ़िया सी हुई है, बालकनी में ही सोए हम लोग। तो दोस्तों, हम हैं आज भोपाल में, हम निकल रहे वाले हैं इंदौर के लिए। इंदौर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर बता रहा है। कल रात को हम रुक गए थे शुभम भाई के मामा जी के घर पे, और हमने गोपाल पिक्चर देखी। भोपाल आके हमने गोपाल पिक्चर देखे। तो दोस्तों, अभी निकलेंगे हम इंदौर के लिए, और पता नहीं हमको कितना टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि अभी धूप भी बढ़ने लग जाएंगी, तो हमारी हालत बहुत डाउन होने वाली है। रात को हम लोग इसलिए निकले थे कि थोड़ा सा वेदर अच्छा रहेगा, और रात में आने का फायदा बहुत हुआ कि हम चार घंटे में नागपुर से, चार या पाँच घंटे में नागपुर से हम भोपाल, 400 किलोमीटर ड्राइव किया बिल्कुल। तो अभी बस हम सब रेडी हो गए, शुभम भाई रेडी होने के, वो रेडी हो जाते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से इंदौर के लिए। तो स्टे ट्यून गाइस, हाँ ये सुन लो इसका पहले, स्टे ट्यून। हम निकल रहे हैं इंदौर के लिए, अब भूख बहुत लगी है सवेरे सवेरे, तो जाते जाते बैरागढ़ में नाश्ता करेंगे। बैरागढ़ एक प्लेस है जहाँ बढ़िया नाश्ता मिलता। तो भाई, भोपाल में मुझे एक चीज़ बहुत मस्त देखने को मिली है, ये दोनों सड़कों के बीच में एक जो लेन है वो मतलब एक रोड छोड़ के दिए, मतलब ओनली फॉर एमरजेंसी एंड गवर्नमेंट पर्पस के लिए, मतलब वहाँ से सिर्फ एम्बुलेंस और गवर्नमेंट की जो भी गाड़ियाँ या फिर पुलिस वाले वही ट्रैवल कर सकते हो बीच वाली रोड पे, और बाकी कोई वहाँ से जा नहीं सकता। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। होटल चंचल में यहाँ पे खाने की एक से एक डिश मिलेंगी जबरदस्त, और अभी दिखाते हैं आपको अंदर से, और खाएंगे भी कुछ बढ़िया सा। मैम, आपके पास डिस्प्ले में बहुत कुछ है, लेकिन आपके स्पेशल क्या है यहाँ का, मतलब स्पेशल में ये पंजीरी है, ड्राई फ्रूट से स्वीट्स मिल जाएगा। ओके, पिस्ता वाइट और वो देना, दाल पकवान दो प्लेट कर दिया है मैंने आपका, और आपको वहाँ से स्पेशल आइटम संगम ये मोती रोल मिल के ये मिल जाएगा। ओके ओके, यहाँ का सबसे फेमस है दाल पकवान। क्या बात कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं हम टेस्ट, सही में क्या काफ़ी अच्छा लग रहा है, अनबॉक्सिंग कर रही है, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, काफ़ी सही लग रहा है देखने में। अभी खा के देखता हूँ, अभी तो खाया भाई। अच्छा टेस्ट है, ऐसा अच्छा दाल है और ये खारी खारी है। पहले हमको बताए कि सांभर वड़ा भी अवेलेबल है, इडली भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद ये पता चला कि सिर्फ इडली अवेलेबल है। मैं बोला मैं इडली नहीं खाता हूँ, तो भाई ने बोला यार वहाँ पे जो काउंटर है वो लड़की है। तो एक्सप्लो सोनिक ने बहुत ही भाई अपनी दरिया दिली दिखाते हुए बोला कि भाई बार बार मत कॉल करो, चार प्लेट मंगा लो इडली, और वही इडली में से एक इडली अभी बचा हुआ। हमारा सोनिक भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छे दिल का इंसान। बाजू में कहीं से एक लड़का था, वो बोले भैया एक कोल्ड ड्रिंक, अरे नहीं नहीं भैया बोले मत, तो बोले लड़की ने बोली ना हाँ एक्स्ट्रा दे दो, घर भी लेके जाना है, मम्मी के लिए भी लेके जाना है। तो गाइस, आप जिसके लिए सब कुछ अच्छे अच्छे वर्ड सुन रहे हो वो और कोई नहीं, खा रहा हूँ भाई इडली, खा रहा हूँ। ऐसी है देखो, अगर आपको खानी है 100 रुपए की इडली तो यहाँ पे आ जाओ, वो भी प्यार से। हाँ, और बात ऐसी है, अगर तुमको ये भोपाल आके भी इडली ही खाना है तो तुम आओ इस मत। और प्यार प्यार में खा लिया दोस्तों मैंने, मजाक नहीं। तो बस यहाँ का फूड ट्राई करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं, नॉन स्टॉप जाएंगे, 180 किलोमीटर है, और भाई धूप से हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, मजाक नहीं, अब चलते सीधा। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके इंदौर में, और भाई मैं बता रहा इतना भयानक धूप है, और सिर्फ 200 किलोमीटर कवर करने को हमको कम से कम 4 घंटे लग गए थे। आज मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई धूप की वजह से, और भाई रोड भी ख़राब है, और फाइनली हम अभी रोड होटल में आए हैं, तो थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, और फिर आराम करके शाम को निकलेंगे सराफा मार्केट और छप्पन गली
एक नंबर स्ट्रीट फूड आपको बताऊंगा, स्ट्रीट फूड लाइफ बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। 6.5 hours later सो गाइस तैयार होकर निकल रहे हैं हम अभी एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत बढ़िया सा क्या क्या है इंदौर में देखते हैं, जरा स्ट्रीट फूड वगैरह इंजॉय करेंगे। क्या बोलता निमेश भाई, आर यू एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड। हम इंदौर की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने निकले ही थे तभी हमें पता चलता है इंदौर के सबसे बड़े बाइकर शॉप राइडर जंक्शन के बारे में। अभी हम जा रहे हैं राइडर जंक्शन जहाँ गाड़ियों की बहुत अच्छे अच्छे मतलब पार्ट्स मिलते हैं और भाई कुछ खरीदेंगे अपने बाइक के लिए। आ गए हम राइडर जंक्शन में, अभी देखते हैं यहाँ कुछ अच्छा मिला अपने बाइक के लिए तो खरीदेंगे। अब स्टोर बहुत जबरदस्त है, देखते हैं अंदर फिर। ओके तो भाई ये तो जन्नत दिख रही मेरे को पूरा हर तरफ बाइक फील्ड ग्रुप का, ये ज्वेलरी की शॉप में जाते हैं ना वैसे दिख रहा है, इधर चमक रहा है हर चीज। इस पे दिल आ गया भाई, ये ग्राफिक्स देखो यार, ओह भाई साहब सेक्सी ग्राफिक्स। तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने लायक और भाई पूरी जन्नत है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सीरियसली। आप चेकआउट करिए भाई, हर एक सामान राइडर जंक्शन, हर एक सामान भाई, हर एक जैकेट का भंडार। और मनीष ट्राई कर रहा है जैकेट्स, देखते हैं अगर पसंद आएंगे तो बिल्कुल ले लेंगे। पैसा बहुत बढ़िया बढ़िया हेलमेट है यहाँ पे, मतलब जबरदस्त जबरदस्त, ये कातिल लग रहा है यार ये। तो गाइस राइडर जंक्शन में आए थे और यहाँ के ओनर है भैया, हेलो अनुज, अनुज भैया है। और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि कुछ फॉगलेट्स वगैरह लेते हूँ, बाकी छोटा मोटा सामान ले लिया है। तो गाइस अपन ने लिए राइनोस्कोप अलग लावा और एक लैंप्स ले लिया अपने फॉगलेट लगाने के लिए, कुछ बैजेस ले लिए अच्छे अच्छे और ये नाइट आई का लाइट ले लिया, जितना मतलब कम बजट में हो सका उतना आइटम लिए अपन ने। और यहाँ से अपन जाएंगे अभी सराफा मार्केट, या कौन सा मार्केट जा रहे हैं अपन? सराफा स्ट्रीट फूड खाएंगे, स्ट्रीट फूड खाने का डिबेट हो गई है। क्या बोला उस समय? नागपुर छोटा पड़ता है उसे जाओ ना, नागपुर अच्छा है, नागपुर अच्छा, मेरी व्यू गई है इसलिए नागपुर अच्छा, ये बहुत अच्छे है। तो ये स्टिकर और कुछ बैजेस वगैरह मिलने वाले, किचन वगैरह मिला। तो भैया थैंक यू, मेरा इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर सोनिक नाम से, बिल्कुल आप देखना। अपने राइडर जंक्शन में अपन ने लगा दिया अपना एक्सप्लोर सोनिक का लोगो। तो गाइस इंदौर के सड़कों पे ऐसा है कि भाई ना कोई हेलमेट पहन के है, ना कुछ है, कोई रूल फॉलो नहीं करता, कोई भी कैसा भी कभी भी घुस जाता, खतरनाक। बहुत गंदी ट्रैफिक है भाई, बहुत गंदी फ्यूचर ट्रैफिक भाई, अरे टेढ़े मलते भाई, पागल हो गई है आगे बाबले बोलती है ओ भाई। सराफा मार्केट किधर है वो खाने वाला? सराफा मार्केट खाने वाला होना। ओ भाई साहब यहाँ का ट्रैफिक बहुत गंदा ट्रैफिक है भाई, अरे भाई यहाँ पे आओ जब भी तो एक लट लेके आओ साथ में। तो भाई सराफा मार्केट जा रहे थे और ये पीछे में राजवाड़ा पैलेस है, बहुत जबरदस्त है आप देख सकते हैं पीछे में, बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग। ओपन नहीं हो रहा था क्या? ओपन नहीं रहता, ये सुबह सुबह होता है क्या? गाइस आ गए हम सराफा मार्केट में और यहाँ की नाइट लाइफ देखो, फूड मार्केट देखो गाइस, बहुत जबरदस्त।
तेरी सब तो कौन सा फ्लेवर सबसे बेस्ट है? खट्टा मीठा फ्लेवर बेस्ट है सर हमारे यहां। ओके दे दो एक। भाई ये बन गया है अपना खट्टा मीठा वाला, तो मनीष भाई ट्राई करके देखो। अरे बाप रे, हो गया तुम्हारी तोड़ के जाना नहीं छोड़ के, ये बात बोल के आ गए अपने सोले कुलचे। अब इसको खाते हैं मस्त। क्यों मनीष भाई नागपुर में नहीं मिलते? की मिलते ना नागपुर में, बहुत कम जगह मिलते हैं। ओके, बहुत कम मिलते, सिर्फ इंदौर में मिलते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम खाने वाला हूं। कुलचे के जगह पे एक्चुअली पूरी देते हैं। ओके, नागपुर में फुगी हुई हल्दीराम में जाएगा फुगी हुई कुलचे के जगह। ये ओरिजिनल कुलचे अभी मैं खा के देखता हूं भाई क्या टेस्ट है क्या नहीं। और क्या खाने की इच्छा है तेरी? अभी भाई जो फेमस इंसान है उसके पास जाने वाला हूँ मैं, क्योंकि अगर सब कुछ ट्राई करेंगे ना भाई लुट जाएंगे हम लोग। तो भाई सराबा मार्केट में और एक फेमस जगह पर आ गए अपन, जोशी दही वड़े वाला। एक बार क्या बात, इसमें मसाला डालता हूँ, ये नमक, लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये फेंकते नहीं, अनाज को नहीं फेंकना चाहिए। थैंक यू अंकल। तो अपना दही वड़ा तो आगे भी टेस्ट करके बस चेक करते हैं, बढ़िया सा टेस्ट। मार्केट में बहुत सी चीज़ें खाने पीने को, लेकिन कुछ फेमस जगह पर आकर आपको खाना चाहिए। तो ये यहाँ पर दही वड़ा खा के आप बिल्कुल देखना, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन टेस्ट लगा है हमको। नमस्कार नमस्कार अंकल, जय श्री महाकाल। आइए, जय श्री महाकाल। जाओ क्या खाएंगे? कुल्फी, रबड़ी, फलवा, आइसक्रीम, लेमन टी का फ्लेवर। जय श्री महाकाल। गोल्डन मैन कुल्फी वाला उसके पास आया है, और भाई काफी जबरदस्त, मतलब वो सोना गोल्ड पहन के। और ये कुछ बन रहा है अपना, बताओ क्वालिटी कैसी है? मिलता जो है स्वाद वो इसमें, आप इतनी दूर से आए हैं तो मेरे क्वालिटी का आनंद लेने आए, इस इंदौर के मालवा के जायके का आनंद लेने आए, जिसका स्वाद है तो आप ये खाइए। सच में बहुत अच्छा टेस्ट है। थैंक यू सर, वेलकम मच। यही मेरी विश्वसनीयता है कि आपको मेरा टेस्ट पसंद आया। क्या मैं सराबा चौपाटी, नेमा कुल्फी, रबड़ी कुल्फी, फालूदा फेमस, आइए और जान जाइए, क्वालिटी में है दम, नहीं किसी से हम कम। जय श्री महाकाल। बोलते सिंगम, जय श्री महाकाल। आइए और इसी से हम गोल्ड कुल्फी भी लगाते हैं। ओके ओके, सोने की। भाई इसको ट्राई करते सर, कितनी की? ये 50 रुपए की कुल्फी है। हाँ बढ़िया लगा, क्वालिटी में नंबर वन, बढ़िया बढ़िया टेस्ट अच्छा है। तो गाइस फायर पान ट्राई करने वाले थे, लेकिन जो फेमस है वो शॉप बंद है। तो गाइस यहाँ से निकले वापस से रूम की तरफ, और यहाँ हो गया एक्सप्लोर जितना करना था, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर, अब जितना कर सके उतना कर लिए, अभी यहाँ से जाते रूम की तरफ। जस्ट देन तो भाई यार तमाशा हो गया बहुत खतरनाक, और ये हमारे एक्सीडेंट होते होते बच गए यहाँ पे, वो बोल रहे हैं रंगदारी कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि हम हमारे साथ में मारना भैया दोनों का क्या मतलब, अरे वो चलेगा लेकिन मारना स्वीकार करता हूँ। तो गाइस वापस आ गए हम होटल में, और रास्ते में हमारा थोड़ा झगड़ा भी हो गया था, थोड़ा गाड़ी वाड़ी को लेके झगड़ा हो गया था थोड़ा। तो आज डे टू हमारा ख़त्म होता है, और शुभम भाई इधर आओ,
इंदौर एक्सप्लोर करके आ रहा था, खाना वाना खा के फ्रेंड्स लोगों के साथ, कल सुबह ऑडिशन है उसके लिए रेडी होना है। तो क्या हुआ ना कि एक ऑटो जा रहा था, उसको एक बंदा उसके साथ उसके बैजबाजी चल रही थी, तो उसको मैंने रोका, तो उसके चक्कर में हम दोनों का एक्सीडेंट हो सकता था। तो फिर उसको समझाया अच्छे से, तो उन दोनों बहुत ड्रिंक करके थे, तो फिर अपना महाराष्ट्रीयन लैंग्वेज में नागपुरी लैंग्वेज में उनको अच्छे से समझाया, थोड़ा सा समझदार बन गए, हो गए उनको प्यार से समझा दिया, भाईचारा है अपना, हिंदू राष्ट्र वाले हैं, जय श्री राम वाले हैं, उनको समझा दिया हिंदुत्व क्या होता है अच्छे से। ऑब्जेक्शन मत उठाना कि भैया हमने गलत किए करके, समझ जाना दारू पीके का हमारा एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि ऑटो को लिटरली ऐसे ऐसे गाड़ी रोक रहा है। एक छोटी सी गलती हम पर भारी पड़ सकती थी, नए सिटी में हमारा मतलब अभी रात खराब हो सकती थी हमारी सीरियसली। तो दोस्तों डे टू एंड होता है और हम होटल में आ गए, सराफा बाजार एक्सप्लोर करके आ गए, और मिलते हैं कल सवेरे क्या सीन है कल सवेरे ही बताऊंगा, अभी थोड़ा आराम करते खाना पीना करके। और ये कुछ होटल है हमारा, ये रूम है इधर, एक रूम मिल लिए हमने और ये एक रूम लिए। इंदौर सीरीज की ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, और भाई मिलते हैं और एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ एक्सप्लोर।